नमस्ते सर आ, सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा से इनसे अलग है आ, सर जैसा आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए लेकिन सर, लेट गो हाँ, करना चाहिए हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे सेवेंटी डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा अब मैं नहीं करूँगी माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तो उससे हो जाएगा अगर मैं कोई भी टास्क कर रही करी कल ये कंप्लीट होगा लेकिन मैं सोचू नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा आई शुड लेट गो दिस आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते कि लाइफ में यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता देखिए जो नसीब का मामला है मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं और है तो कितना है सब तुक्का लगा रहे हैं मैं भी तुक्का लगा रहा हूं ठीक जो हार जाता है ना उसको तसली देना बहुत जरूरी है वरना वो जी नहीं पाएगा और पराजित व्यक्ति को तसली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब भाग्य नियति बहुत जरूरी है और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है सच में नहीं होता है पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आई बन जाते या कुछ ही बन जाते ये हो सकता है कि आई बनने के एग्जाम में दस ने मेहनत की उनमें से आठ का हुआ दो का नहीं हुआ पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की उसका आई हो गया बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है इसलिए यह मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे पूरा डिसिप्लिन रखेंगे तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे सबसे अच्छी मतलब बाकी मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम तो उसको गिवअप ही कहते हैं लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है अब उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही जैसे आईईएस बनने की कोशिश कर रहे हैं नहीं बन पाए तैयारी छोड़ दी गिवअप है बन गए नौकरी की मजा नहीं आया छोड़ दिया ये लटको है लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मजा नहीं आया ठीक ही है औसत है तब छोड़ दिया इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें यह शोभा देता है मेरी उम्र को तो तीस चालीस के बाद नसीब भाग्य नियति चलेगा फिलहाल कर्म पर भरोसा कीजिए मेहनत डिसिप्लिन और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन ध्यान रखिएगा मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे डिसिप्लिन ऐसे रहता है और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा ये मान के चलिए सबसे अच्छा क्या है मोटिवेशन विद डिसिप्लिन तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए अपने भरोसे कीजिए ऑल द बेस्ट